जिससे हार्ट अटैक आता है वो ठंडे मौसम से आता है, और दूसरा पानी कम पीते हैं लोग, उससे आता है। ब्लड की विस्कोसिटी, ब्लड खून गाढ़ा हो जाता है क्योंकि पानी की मात्रा कम जाती है। समर्स में तो सबको प्यास लगती है, वो पीते रहते हैं, विंटर में भूल जाते हैं पानी पीना, तो पानी पीते हैं तो विस्कोसिटी ब्लड की कम हो जाती है, तो पानी खूब पीना चाहिए। एक वजह तो ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ बढ़ रहे हैं, और ये सब हार्ट बीमारी के लिए ख़तरा होता है। दूसरी तरह अगर आप देखिए तो पिछले 2-3 सालों में जो तर्ज ज़िंदगी रही है, जो लाइफ स्टाइल रही है, हल्दी, गुड़ की चाय और सर्दी से बचाओ, ये कान ढके हों, सीना ढका हो, पैर ढका हो, ये बहुत ज़रूरी है, और गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी से कतई ना। कोरोना के बाद से ही हम सभी के लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आया है, खासकर अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो उसमें शारीरिक मेहनत नहीं हो पाई, जिसका असर हमारे सेहत में साफ देखा जा सकता है। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में सवाल उठाते हुए कहा था कि नौजवानों की अचानक मौतें हो रही हैं लेकिन वजह मालूम नहीं हो पा रही है। कुछ लोग इसे कोरोना और कुछ इसे वैक्सीन का परिणाम बता रहे हैं। अगर हम सर्दियों के मौसम की बात करें तो इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट अटैक के मरीजों को खास सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन दिनों लोग पानी कम पीते हैं जिससे खून का थक्का बनने की आशंका ज़्यादा होती है। सर्दी के मौसम में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए हमने एक्सपर्ट से बातचीत की। देखिए अभी जो आजकल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत से लोगों की सडन डेथ हो जा रही है, मैं समझता हूँ इसकी सबसे बड़ी वजह हार्ट अटैक है, और हार्ट अटैक के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कंट्री में खास करके यूरोप के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो यंग एज के होते हैं, तकरीबन 10 साल कम होती है उनकी उम्र, और चूंकि दिल के मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है इसलिए हार्ट अटैक के चांसेज और मौत के चांसेज भी ज़्यादा होते हैं। और इसकी कुछ वजहें हैं, एक वजह तो ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ बढ़ रहे हैं, और ये सब हार्ट बीमारी के लिए ख़तरा होता है। दूसरी तरह अगर आप देखिए तो पिछले 2-3 सालों में जो तर्ज ज़िंदगी रही है, जो लाइफ स्टाइल रही है, लोगों की लाइफ स्टाइल सीडेंट्री रही है, लोगों की लॉकडाउन की वजह से या और वजह से भी एक्टिविटीज़ कम रही है, तो उनका चलना फिरना बहुत कम रहा है, फिजिकल के एक्टिविटी कम रही, तो इसलिए हार्ट के मरीज़ बढ़े हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात रही है वो ज़हनी तनाव, मेंटल स्ट्रेस बढ़ा है, वो भी एक रिस्क होता है हार्ट बीमारी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो ये सडन डेथ्स हो रही हैं, जो अचानक मौतें हो रही हैं, वो ये वो लोग हैं जिनको हार्ट की बीमारी है और उन्हें मालूम नहीं है, उनका चेकअप नहीं हुआ है, उन्हें खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं कि वो हार्ट के मरीज़ हैं। दूसरी चीज़ एक होती है, हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस, यानी खून का थक्का जम जाना। ये चीज़ें जाड़े के मौसम में ज़्यादा देखी गई हैं कि आपके फेफड़े की नसों में खून का थक्का जम गया, उसकी वजह से एकाएक सांस फूलना और सडन डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और अगर ठीक से एहतियात की जाए और रेगुलर चेकअप कराया जाए तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। सर, लोग कहते हैं जैसे व्हाट्सएप में लगातार मैसेज आ रहे हैं कि आप ज़रात में अचानक उठना, पेशाब जाना करना जाना हुआ है, तो आप पहले 2-3 मिनट कम से कम बेड में बैठे रहिए या पैर नीचे कर लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद जाइए, क्या ये सही है या ऐसे ही मैसेज है? हाँ देखिए, ये बात तो सही है कि आपको एक्टिव रहना चाहिए, और ख़ास करके जब रात में उठ के जा रहे हों या बिस्तर से उठ रहे हों तो पहले अपने हाथ पैर का मूवमेंट कर लें, उसके बाद से जाएँ। ये बात ज़्यादा सही है बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि उनमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस या खून के थक्का जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपने जिसमें आप पानी की कमी ना होने दें, अक्सर सर्दियों में प्यास नहीं लगती, खास करके बुज़ुर्गों को, उनको एहसास नहीं होता, तो पानी कम पीते हैं और डिहाइड्रेटेड रहते हैं, तो उस पानी की कमी की हालत में भी थक्का जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कितना पानी पीना चाहिए? तकरीबन कम से कम 1.5 से 2 लीटर पीना चाहिए, गर्मी में हम लोग 3 लीटर बताते हैं, लेकिन जाड़े के दिनों में 2 लीटर पानी तकरीबन पीना चाहिए रोज़ाना। एक ये भी मैसेज वायरल हो रहा है कि जिनको कोरोना वैक्सीन लगी हुई है उनको ज़्यादा ये अटैक पड़ रहे हैं या उनकी ज़्यादा मौत हो रही है अचानक हो रही है, तो ये सही है या सही है? देखिए, चूँकि इधर सडन डेथ बढ़ी है तो इसको उससे लिंक किया जा रहा है कि जो कोविड वैक्सीनेशन हुआ है उसकी वजह से ही मौतें हो रही हैं, जबकि ये बात गलत है। अभी जल्द ही 2 जनवरी को जो लेटेस्ट पब्लिकेशन हुआ है ऑन्टोरियो का कनाडा से, उसमें साफ साफ चीज़ जाहिर की गई है, बताया गया है रिकॉर्ड कि वैक्सीन से होने वाले जो एडवर्स इफेक्ट रहे हैं, जो नुकसान, बहुत कम रहे हैं, बहुत रेयर रहे हैं, और वो जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं जैसे थ्रोम्बोसिस मैंने बताया आपसे, या दिल की झे में सूजन आ जाना या बहुत सीवियर एलर्जी, ये सब उसी वैक्सीन लगने के आसपास ही हुए हैं। इतने दिनों के बाद वैक्सीन की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट होना या मौतें होना अभी तक ये साबित शुदा नहीं है। सर्दियों में लोग जैसे गर्मी में लोग जो सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते रहे, सुबह 5 बजे जाते थे, कोई 4 बजे जाते थे, सर्दियों में भी जाते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कोहरा में या सर्दियों में ज़्यादा टहलना मुनासिब नहीं है। देखिए, मैं आपसे बताऊं कि चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है, तकरीबन यहाँ तक कि 3-4 डिग्री तक पहुँच चुका है कुछ इलाकों में, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी ना तो घर से ना निकलें, ये बेहतर है, लेकिन अगर आप घर में हैं
तो अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, घर में भी अपने चहलकदमी करते रहें, मूवमेंट करें। दूसरी बात है कि अगर बहुत ज़रूरी आपको निकलना हो तो अपने को पूरी तरीके से प्रॉपरली ड्रेस करके, और बेहतर ये है कि आप 3-4 पतले कपड़े पहन लें बजाय एक मोटा कपड़ा पहनने के, क्योंकि उसमें फिर एयर पॉकेट्स बन जाते हैं जो आपकी सर्दी से हिफाजत करते हैं। सर को अपने ज़रूर ढकें टोपी से, हेड से, या स्कार्फ से, मफलर से, जैसे भी, पैरों को ढक के निकलें, क्योंकि ये वो एरिया है जिसमें जहाँ से हीट लॉस बहुत होता है। तो अगर इन चंद एहतियातों के साथ अगर आप निकलते हैं ज़रूरी है तो बेहतर है, लेकिन अपने आप को जाड़े के मौसम में भी एक्टिव रखना चाहिए, वो चाहे इनडोर हो, अगर मुमकिन है तो बाहर भी जा सकते हैं आप। और खाने का जहाँ तक सवाल है, खाने में एहतियात बरतनी चाहिए, ख़ास करके फैटी ऑयली चीज़ें कम से कम लेना चाहिए। फल और सब्ज़ी का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन्स होती हैं जो आपकी मर्ज़ से हिफाजत करती है। और पानी के बारे में जैसे मैंने बताया कि पूरा पानी पीजिए ताकि अपने आप को हाइड्रेट रख सकें, आप डिहाइड्रेशन ना होने पाए, क्योंकि उसमें थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। ज़ेहन को ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ लोग मतलब कहते हैं कि बस थोड़ा बहुत जो हमने काम कर लिया घर में वही हमारे लिए बेहतर है, क्या उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए इस मौसम में या जो काम करते हो वो काफ़ी है? देखिए, ये बात आपने सही कही कि ज़ेहन के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है, उसकी एक वजह तो ये होती है कि इनमें अक्सर को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी होती है, और जाड़ा मौसम उनके लिए ख़राब है क्योंकि इस मौसम में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, शुगर भी अनकंट्रोल हो जाती है। उसकी एक वजह ये होती है कि आप पसीना निकलता नहीं तो नमक का लॉस नहीं होता, खाना पीना आपका बढ़ जाता है जिसमें साल्ट और शुगर ज़्यादा होता है, और फिज़िकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि वो सभी मरीज जिनको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है अपने ब्लड प्रेशर और शुगर पर नज़र रखें, उसको बराबर चेक कराते रहें, और अक्सर इस मौसम में दवाओं की मकदार, दवाओं की डोज बढ़ानी पड़ जाती है, तो अपने डॉक्टर से रुजू करके उन दवाओं की डोज़ ज़रूर एडजस्ट करा रहें, और दवा लेने में वक्त पाबंदी से लें, उसमें कोई लापरवाही ना करें। और फिज़िकल एक्टिविटी जैसे मैंने बताया कि जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने को ज़रूर एक्टिव रखें, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है, हार्ट अटैक का रिस्क भी कम होता है, और खून का सर्कुलेशन जो आपके जिस्म में है, ब्लड की जो रवानगी है वो बेहतर तरीके से मेंटेन रहती है। देखिए, ठंड में एक तो ब्लड जो होता है इतनी ठंड पड़ने लगती है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ब्लड थोड़ा वो होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है। तो सबसे पहले तो हल्दी, गुड़ की चाय, और सर्दी से बचाव, बचाव ये कान ढके हों, सीना ढका हो, पैर ढका हो, ये बहुत ज़रूरी है। और गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी से कतई ना नहाएं, खासकर जिनकी एज 40-50 से ऊपर की है वो तो कतई ना नहाएं, या जिनको बीपी या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, वो ठंडे पानी से कतई ना नहाएं, और अपने को ढक के रखें। और खाने पीने में गुड़ की चाय है, हल्दी का इस्तेमाल करें, और अगर नॉनवेज है तो फिश का इस्तेमाल करें, गरम मसाले इस्तेमाल करें, और बाहर निकलने से बहुत परहेज करें, ख़ासकर बाइक से न चलें, चलें तो कान ढके हों, चेस्ट ढका हो, पैर ढके हों, ये सब बंद होना चाहिए। तो एक उनकी तो हैबिट होती है, आदत होती है, लेकिन फिर भी अगर 40-50 साल से ऊपर हैं तो कैप मस्ट है, पूरे कान यहाँ तक ढके होना चाहिए, और ये सीना, तो मुँह कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तो हैबिट होती है, वो तो उनका रूटीन वर्क है, जाड़े गर्मी बरसात, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन इज़ द मस्ट। पानी तो कम से कम 2 लीटर तो मिनिमम है ही है, और बहुत अच्छी बात है कि गुनगुना पानी पिए, बहुत अच्छी बात है। सुबह गुनगुना या कि सारा? नहीं नहीं नहीं, सारे दिन गुनगुना पिए, हम तो कहते हैं अगर बहुत अच्छा रहना है तो गर्मियों में भी गुनगुना पानी पिए, जाड़ों में तो वैसे भी गुनगुना पानी पिए। ये एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, जॉब नहीं है, कारोबार नहीं है, और बच्चे परेशान हैं, और वो जो आजकल खान पीन चल रहा है उनका जंक फूड, ठीक है, वो नेचुरल पे नहीं जाना चाहते, वो जंक फूड पे जाना चाहते हैं, वो उसमें कुछ नहीं है, और खान पीन में जो मिलावट है उससे नौजवानों में क्यों दिक्कत हो रही है, आगे आने वाली नस्लों के लिए और बर्बादी है इसी मिलावटी की वजह से, मिलावट की वजह से। पहले तो पोस्ट कोविड ईरा में जो हार्ट अटैक्स का इंसिडेंस हम देख रहे हैं, उसका क्या रेलेवेंस है कोविड के साथ, क्लॉट्स कैसे बने कोविड में, ये हमने बहस डिस्कशन किया। फिर विंटर्स में क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए मरीज़ों को, विंटर्स में देखा गया कि हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, तो विंटर्स में क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि हार्ट अटैक कम हो। ये तो विंटर्स में जो जिससे हार्ट अटैक आता है वो ठंडे मौसम से आता है, और दूसरा पानी कम पीते हैं लोग, उससे आता है, ब्लड की विस्कोसिटी, ब्लड
खून गाढ़ा हो जाता है क्योंकि पानी की मात्रा कम जाती है। समर्स में तो सबको प्यास लगती है, वो पीते रहते हैं, विंटर में भूल जाते हैं पानी पीना। तो पानी पीते हैं तो विस्कोसिटी ब्लड की कम हो जाती है। तो पानी खूब पीना चाहिए, अपने आप को विंटर से बचना चाहिए। सुबह लोग सैर की आदत पड़ी होती है, कुछ लोग हैं 5 बजे समर्स में भी जाते थे, अब भी जाना चाहते हैं, वो इतनी ठंड में उनको हम एडवाइस करते हैं बिल्कुल मत जाइए, हमेशा कवर्ड रहिए अपने आप को, ठंड से बचिए। धूप निकलेगी तो आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लीजिए, ठंड से बचना है। स्मॉग्स को अवॉइड करना है, दिल्ली में बहुत हाई स्मॉग लेवल्स हैं, स्मॉग से हार्ट अटैक्स पड़ते हैं।